न गरीबी में मरा न भूख में, वो दुनिया से गया शोहरत के सुख में। फिल्म और सीरियल जगत में कई अनमोल कलाकारों को हमने खोया है, जिसकी गर्माहट आज भी हमारे सीने को महसूस होती है। दुखों के सैलाब में आज एक नाव डूब गया। न उम्र जीतता है, न तजुर्बा जीतता है, मौत आती है तो यमराज जीतता है। एक नाम जिसने अपनी रोशनी पूरे टीवी और उस पर प्रकाशित हो रहे सीरियल और अपने दर्शकों तक पहुंचाई, आज वो अंधेरे में खो गया। अपने नाम की ही तरह प्रकाशमय, गुणवान, योग्य और कर्मठ काया आज धूमिल हो गई। नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ शुक्ला। लंबे कद काठी और आकर्षित कर लेने वाले शख्स, जिसकी मुस्कान कईयों के दिल में धड़कती थी, आज वो बंद हो गई। खो दिया हमने टीवी जगत के उत्कृष्ट किरदार निभाने वाले बेहतर सितारे को। टीवी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से आज निधन हो गया। ये खबर उनके फैंस के लिए एक झटके के रूप में आई, क्योंकि अभिनेता ने हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस OTT और डांस दीवाने 3 में शहनाज गिल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज की थी। 40 साल के बिग बॉस 13 विजेता शो 20 का एक लोकप्रिय चेहरा थे और हम्टी शर्मा के दुल्हनिया जैसे फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता को आखिरी बार एकता कपूर के लोकप्रिय सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अगस्त्या की भूमिका निभाई थी। सिद्धार्थ को वालिका बधू और दिल से दिल तक जैसे फिक्शनल सीरियल्स और झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बालिका वधू टीवी सीरियल के साथ टीवी की दुनिया में अपना नाम स्थापित करने वाले अभिनेता इस सीरियल में एक IAS ऑफिसर शिवराज सिंह शेखर का किरदार निभाए थे। इस सीरियल से उन्होंने फैंस के दिलों में जगह हासिल की थी। शो के दौरान उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी सराहा था, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में कास्ट किया गया। जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर आई, कई मशहूर हस्तियों के साथ साथ उनके फैंस ने भी शोक संवेदनाएं ट्वीट की हैं। साल 2020 में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का एक चौंकाने वाला निधन भी देखा गया, जो 14 जून को अपने मुंबई अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। एक साल हो गया, लेकिन देश अभी भी दिवंगत अभिनेता की तरफ से छोड़े गए शून्य को महसूस कर रहा है, और सिद्धार्थ शुक्ला का निधन एक बार फिर से मनोरंजन जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आप सिद्धार्थ शुक्ला के मौत पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और HCN News की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले।